सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है इंडिगो, जो लिखा है किसने, लुइस फिशर ने लिखा हुआ है, है ना। अब लुइस फिशर जो कि बहुत ही विख्यात नाम है, कहा जा सके काफ़ी प्रख्यात है ये, है ना। जानते हैं इनके बारे में कि कौन है लुइस फिशर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है लुइस फिशर और ये हैं महात्मा गांधी जी, है ना। लुइस फिशर जो कि 1896 से लेकर 1970 तक का इनका जन्मकाल दिखाया जा रहा है, वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया इन 1896। 1896 में वो फिलाडेल्फिया में जो है जन्मे थे। ही सर्वड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920, 1918 और 1920 के दरमियान, ये तकरीबन 2 सालों के दरमियान जो है वो ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर जो है जॉब किया करते थे। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, है ना। तो फिशर जो थे वो काफ़ी फेमस थे, साथ ही साथ में कहा जा सके एक पॉपुलर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, है ना। जर्नलिज्म की जो है शुरुआत की इन्होंने, और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखा करते थे, कई बार सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा करते थे, और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस में कई बार जो है इन्होंने अपने काम की सेवा दी है। ही वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो थे वहाँ के जो फैकल्टीज थी, है ना, जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज है, उसके भी जो है ये मेम्बर रह चुके हैं, है ना। आइए इस यूनिट इंडिगो में क्या है इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुइस फिशर ऑफ महात्मा गांधी। इन ऑर्डर टू राइट ऑन हिम, ही हैड विजिटेड इन हिम इन 1942 एट हिज आश्रम सेवाग्राम, वेयर ही वॉज टोल्ड अबाउट द इंडिगो मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, है ना। ये जो स्टोरी है, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है एक प्रकार का क्या है, इंटरव्यू है, जो लिया गया था किसके द्वारा, लुइस फिशर के द्वारा। किसका इंटरव्यू लिया था, तो महात्मा गांधी जी का, है ना। और उनके बारे में लिखने के लिए लुइस फिशर ने क्या किया था, 1942 में जो है वो उनसे मिलने के लिए गए थे, कहाँ पर, सेवाग्राम जो उनका आश्रम है वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने गांधी जी, वहाँ पर उनको जो है गांधी जी ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से इंडिगो मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया था और किस तरीके से जो है पीजन्स को जो है फ्री किया था उसमें से। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड शेयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, है ना। ये जो कहानी है वो किसके आसपास घूम रही है, गांधी जी के स्ट्रगल के आसपास। और बाकी बहुत से बड़े बड़े लीडर्स जो थे, जो शेयर क्रॉपर्स जो होते, शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं वो समझ लो। तो शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो ज़मीन जो है भाड़े पर लेते हैं, उस पर जो है कुछ क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं, और भाड़े के तौर पर क्रॉप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लैंडलॉर्ड को चुका देते हैं, है ना। सो ये एक बहुत बड़ी एक तकलीफ थी, एक बहुत बड़ी एट्रोसिटी थी लैंडलॉर्ड के द्वारा लादी गई, जो जिसकी वजह से जो है इनको क्या करना पड़ा, सेफगार्ड करना पड़ा, और यहीं पर जो है गांधी जी ने इनसे मुलाकात ली। और भी बहुत सारी हस्तियाँ हैं इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। द फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट मिस्टर लुइस फिशर केम टू इंडिया इन मई 1942 में आए थे, है ना। फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट माना जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, है ना। ही वॉज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए जो है वो यहाँ पर रहे। द वर्ल्ड वॉर वॉज इन फुल स्विंग, उस समय की बात करें तो वर्ल्ड, सीधी सी बात है, 1939 से 45 या 46 के टाइम तक जो है क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो काफ़ी स्विंग में था, मतलब काफ़ी जो है बदलाव आ रहे थे उसमें। इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ जून ही स्पेंट 1 वीक विद गांधी जी इन आश्रम, और जून का टाइम काफ़ी स्कॉर्चिंग हीट कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी, चीर देने वाली गर्मी जो है, उसी टाइम पे जो है लुइस फिशर पूरा 1 हफ्ता जो है गांधी जी के साथ उनके आश्रम में बिताते हैं। गांधी जी गेव हिम 1 आवर डेली, पूरा 1 घंटा जो है वो दिन में एक बार, कहा जा सके दिन में पूरा 1 घंटा जो है डेली गांधी जी जो है उनको फ्री करके उनकी बातें जो है सुनते थे, लुइस फिशर के उनको इंटरव्यू अपना जो है दिया करते थे। ही कुड ऑल्सो टॉक विद गांधी जी ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कहा जा सके गांधी जी के लिए जो है प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव हो सकती हैं, जिसमें वो जो है बैठ कर उनके साथ में बातचीत कर सकते थे। फिशर रोट अ बुक 7 डेज विद द महात्मा, फिर उन्होंने जो है ये किताब लिखी 7 दिन महात्मा के साथ में। इन दिस फेमस बुक ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द आश्रम लाइफ एंड गांधी जी लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन अ वेरी टचिंग वे, है ना। और ये जो बुक है काफ़ी फेमस हो गई थी,
क्यों? क्योंकि इसमें आश्रम की ज़िंदगी के बारे में भी समझाया था, साथ ही साथ में गांधी जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, बहुत ही टची वे में जो है ये बातें समझाई गई थी। ही रोट दैट ही नेवर फेल्ट अफ्रेड इन गांधी जी प्रेजेंस। बताते थे कि जब गांधी जी जो है आश्रम में होते थे तो कभी जो है उन्हें किसी बात की डर नहीं लगती था ना, क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है कभी डरे नहीं किसी चीज़ से, और यही जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी दूसरों में स्प्रेड करते थे। इसी वजह से जो है जब लुईस फिशर उनके पास में रहते तो उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। हिज एसोसिएशन विद गांधी जी वॉज वार्म हेल्दी एंड फुल ऑफ जॉय एंड कॉर्डियल। सीधी सी बात है, जब वो उनके साथ में रहते थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहा जा सके कम्फर्टेबल फील करते थे, काफ़ी हेल्दी रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, कॉर्डियल एक अटैचमेंट से रहती थी उनके साथ। ही फाउंड गांधी जी अ कल्चर्ड एबल एंड ऑलवेज रिफ्रेशिंग एंड स्वीट पर्सन। है ना, लुईस फिशर को गांधी जी कैसे लगते हैं? कल्चर्ड, काफ़ी ज़्यादा जो है सांस्कृतिक कह सकते हैं, है ना, सक्षम, है ना, हमेशा रिफ्रेशिंग रहने वाले और काफ़ी जो है स्वीट काइंड ऑफ अ पर्सन। लुईस फिशर हैज़ डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ गांधी जी पर्सनैलिटी इन द बुक। और कई ये जो बुक उन्होंने लिखी थी उस बुक में गांधी जी ने कई कई सारी जो है अद्भुत पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर समझाया भी गया था। सिमिलरली मैनी पर्सन स्टेड इन दिस आश्रम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आश्रम में समय दर समय रहे हुए भी हैं। तो यही एक लुईस फिशर की जो किताब थी, इस किताब के ऊपर जो है इस किताब एक और बड़ी किताब थी जिसमें लिखा हुआ द लाइफ ऑफ गांधी जी, और उस किताब का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें ये कहा जा सके, मैं आपको बताऊँ, इंडिगो मूवमेंट, है ना, ये इंडिगो मूवमेंट की बात जो है इसमें की गई है। और ये इंडिगो मूवमेंट जो है किसके लिए था? तो शेयर क्रॉपर्स के लिए था। क्यों? क्योंकि उन जैसा कि मैंने बताया उनके साथ में जो है काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, तो उनको उसमें से फ्री करने के लिए जो ये सारी चीज़ की गई थी। सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन, पहले समरी समझेंगे, समरी के बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।